प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया था, आज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हिंदी में पहचान लिखेंगे। हिंदी में पहचान होती है पास्ट परफेक्ट की, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि। इंग्लिश में आफ्टर, इंग्लिश में पहचान लिखेंगे आफ्टर, बिफोर, आफ्टर बिफोर। लेकिन इनके साथ में पास्ट इंडेफिनेट टेंस जरूरी है। इनके साथ में उसके बाद टिल, यस्टरडे और टिल देन। आफ्टर बिफोर पास्ट इंडेफिनेट इनके साथ में जरूरी है और प्लस में एक व्हेन भी इंग्लिश में पहचान है जिसके साथ में ये चीज़ भी जरूरी है, पास्ट इंडेफिनेट। टेंस ध्यान से देखना, एक तो आफ्टर हो गया, एक बिफोर हो गया। इनके साथ में पास्ट इंडेफिनेट और व्हेन के साथ में भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस जरूरी होता है। उसके अलावा टिल है, यस्टरडे और टिल देन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में पहचान है। अब हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर हेड होती है और मैन वर्ब की बात करेंगे। व्हेन वर्ब इस टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या लिखवाया है टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान लिखवाई है, इंग्लिश में पहचान लिखवाई है। ध्यान से देखना, आफ्टर, बिफोर और व्हेन तीनों के साथ पास्ट इंडेफिनेट टेंस जरूरी है। पास्ट इंडेफिनेट कैसे होता है? जैसे बिफोर मान लीजिए आता है किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूरी होती है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस होता है, जो पास्ट सिंपल मैंने करवाया था, एक ही बात होती है, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वो वर्ब की सेकंड फॉर्म इनके साथ में लगी हुई होनी चाहिए। और दूसरा जो प्रकार इसके अंदर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, वो टिल यस्टरडे और टिल देन। अब इनका एक एक का प्रयोग भी बड़े अच्छे ढंग से आपको करवाया जाएगा आज के लेक्चर में। आफ्टर का प्रयोग बिफोर का है और व्हेन का प्रयोग है, टिल का, यस्टरडे का, टिल देन का। ये हम खालिस्तान भर के आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, कैसे इनकी पहचान होती है, क्या वाक्य का भाव भाव कहता है, वाक्य के भाव को कैसे पहचाना जाता है। क्योंकि आप सभी बच्चों को ये पता होगा कि जब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया था तो उसके अंदर भी मैंने पहचान लिखवाई थी व्हेन, व्हेन पहचान लिखवाई थी। आप ये मत सोचना भी हम व्हेन उसी के अंदर आ गया और इसी के अंदर व्हेन आता है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या पास्ट परफेक्ट है, ये अंतर भी मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। अब इसके हम एक बार हिंदी में बात करेंगे वाक्यों की। पहले ट्रांसलेशन की बात करते हैं, उसके बाद जो खालिस्तान जब हम भरेंगे तब एक एक का प्रयोग आपको बताया जाएगा।
पहले सरल से कठिन की ओर हमेशा चलते हैं, पहले सरल वाक्य करेंगे इसके, और पहले उससे पहले बात करेंगे सेंटेंस की। इसमें होता है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव, हम तीन ही करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में। पॉजिटिव को हिंदी में आपको पता है क्या कहा जाता है, सकारात्मक वाक्य इसे कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, मैन वर्ब आ गई, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गई, मैन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ चुका था, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सूत्र में लिखेंगे राम, हेड लिखेंगे। यहाँ पर ये समस्या नहीं है कि सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, पहली दूसरी और तीसरी, ये जो रीड होती है ये बराबर होती है, यानी तीनों एक समान होती है वर्ब। उसके बाद ए बुक, इस प्रकार से राम हैड रीड ए बुक, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। इसका एक वाक्य और देखते हैं, वह खाना पका चुकी थी। वह खाना, वह सब्जेक्ट है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है, पकाना इसमें वर्ब है। सूत्र में लिखेंगे सी, सी क्यों लिखा, क्योंकि वह लड़की है, सी हैड। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म कुक पहली होती है, ईडी लगाने पर थर्ड फॉर्म बनती है कुकड फूड। इस प्रकार से ये पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं, इस प्रकार से होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसके अंदर एक दूसरा भी होता है, कैसे, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर मैंने एक तो आपको ये सूत्र लिखवाया है, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये भी होता है, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, फिर व्हेन आए, चाहे इसके अंदर आए बिफोर, चाहे इसके अंदर आए आफ्टर, फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से भी आपको करना होता है। ये वाक्य कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। जैसे ये वाक्य है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह देखना ज़रूरी होता है कि ये जो तीन चीज़ है इनका मतलब क्या है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफोर होता है से पहले, और वहन का होता है कब या जब, जब मैं वहाँ पहुँचा, यानी जब मैं वो काम कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, यानी कब या जब होता है। वैन का बिफोर से पहले होता है, आफ्टर बाद में होता है। अब यहाँ पर से पहले है, तो हम इस, ये जो वाक्य है हिंदी का, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। सूत्र ये हम अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें एक तो ये है, एक इसमें मरीज है,
यहां पर पहुंचना वर्ब है, यहां पर मरना वर्ब है, से पहले ये बिफोर, यहां पर हम बिफोर लगाएंगे टाइमिंग के लिए। अब हम इसको सूत्र में ढालेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले हम ये देखेंगे कि जो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये इसको माने या फिर इसको माने, पहले काम पूर्ण कौन सा हुआ, ये हुआ, यानी वो मर चुका है, इसलिए हम मरीज को सब्जेक्ट मानेंगे। तो हम लिखेंगे द पेशेंट, हमने सब्जेक्ट लिखा है द पेशेंट, उसके बाद हेड लिखेंगे हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे मरना, डाई होता है लेकिन डेड सिर्फ डी लगाने पर थर्ड फॉर्म बन जाती है। द पेशेंट हैड डेड, मरीज मर चुका था। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा इसमें है ही नहीं, वैन बिफोर आफ्टर में से हम बिफोर लिखेंगे, मैंने आपको बताया है क्यों लगेगा बिफोर, क्यों लगेगा बिफोर, ये इसमें लगा दिया, फिर सब्जेक्ट हमें लिखना है नया द डॉक्टर, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, या पहुंचना है तो रीच फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लिख दी, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, ठीक है, यहां पर यदि डॉक्टर के आने से पहले ऐसा होता कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसमें दो बात होती है, दोनों बात मैं आपको बताऊंगा अभी वर्ब के बारे में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यदि आना होता तो यहां पर हम लिखते केम, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम या रीच्ड, ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरी बात, ये बातें क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि जब हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने आपको ये बिफोर जो पहचान है ये लिखवाई थी, याद होगा, बिफोर पहचान मैंने लिखवाई थी। प्रेजेंट परफेक्ट में भी बिफोर आता है, पहचान है इंग्लिश में, और पास्ट परफेक्ट में भी बिफोर आपके सामने है, ये भी मैंने आज लिखवाया है इंग्लिश में, ये पहचान है। अब करना क्या है कि बिफोर, जैसे मान लीजिए ये वाक्य आपको इंग्लिश में आ गया, आपको इसमें वर्ब की फॉर्म भरनी है, बिफोर इसमें पहचान आ गई इंग्लिश में, तो आप कैसे भरोगे, यहाँ पर खाली स्थान दिया होगा, उसमें बच्चों कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर, पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, जब मैंने आपको इंग्लिश में पहचान लिखवाई थी तो जब बिफोर लिखवाया था तो उसके प्लस में मैंने आपको लिखवाया था पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट, याद होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का मतलब यही होता है, जो मैंने ये भी आपको कहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है। यदि यहाँ पर होती फर्स्ट फॉर्म, यदि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ हेड नहीं लगता, ये पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ कोई अंतर नहीं होता, परफेक्ट जहाँ लगेगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पक्का। उसके बाद ये है हेल्पिंग वर्ब, ये मान लीजिए एक तो है प्रेजेंट की और एक पास्ट की, यदि होती है फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये कौन सा होता है प्रेजेंट टेंस, और यदि होती है सेकंड फॉर्म यहाँ पर तो वो पास्ट टेंस का वाक्य होता है, समझे, दोबारा समझा रहा हूँ यदि नहीं समझ में आया। बिफोर के बाद में जो हमारा वाक्य बचता है वहाँ पर यदि फर्स्ट फॉर्म है, यदि फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, तब हमें यहाँ पर हैज में से लगाना है सब्जेक्ट देख करके, क्लियर, फिर से बता रहा हूँ नहीं आया तो, यदि हमारा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वाक्य
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, फिर हमें हैज है मैं से सब्जेक्ट देख करके यहाँ लगाना है। ठीक, यदि हमारा सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि यहाँ पर होती है, तो फिर हमारा वाक्य जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, तब हमें हैड लगाना है। ये बात क्लियर कर चुका हूँ। अब बात रही वर्ब की, जो मैं यहाँ मैंने लिखी है भी वो बतानी थी आपको, वो कैसे। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वहाँ जो फॉर्म है उसका पता कैसे चलेगा। बच्चों ये काम वैसे तो आपका है कि वर्ब की फॉर्म जो होती है वो आपकी जो भी हेल्प बुक आप रखते हो उसके अंदर दी हुई है। सारी वर्ब्स को आप याद करिए, वर्ब्स अनेक प्रकार की होती है। कुछ ऐसी होती है जिसमें सीधा ईडी लगाने से थर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। कई ऐसी होती है जो पहली फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होती है। कई ऐसी होती है जो सेकंड और थर्ड बराबर होती है। कई ऐसी भी होती है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बराबर ही होती है, जिसमें कुछ लगता ही नहीं है, जैसे कट है, सट है, कॉस्ट है। जैसे हमने इसी के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमने रीड किया था, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और सेकंड का मैं ऐसे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने रीच रीचड लिखा है, यदि यहाँ पर रीच रीच आया तो ये फर्स्ट है, और रीच्ड आता है तो ठीक है सेकंड होगी। क्लियर। उसके बाद जैसे कम हमने लिखा, तो बच्चों कम केम और कम होता है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि टेंस के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली आ जाए और जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। अकेली आने वाली फॉर्म होती है फर्स्ट और सेकंड, दो ही ऐसी फॉर्म है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के लग सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट टेंस में लगती है, सिर्फ परफेक्ट में लगती है, जिनकी खुद की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड है, और फ्यूचर में भी है। उसके बाद ये कम केम और कम, यानी थर्ड फॉर्म तो हमें पता है आएगी ही नहीं। कम आए तो कोई चक्कर नहीं है, फर्स्ट है, सेकंड में डिफरेंस है, डिफरेंस पक्का मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस वाक्य को करना है। ऐसा ही वाक्य मैं एक और करवा रहा हूं आपको। उसके बाद मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, एक ही बात होती है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो रेलगाड़ी जा चुकी थी, और रेल मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, बात एक ही है। वैसे ही करना है, मेरा इसमें सब्जेक्ट है, से पहले इसमें टाइमिंग है, और रेलगाड़ी जाना, ये जाना 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 इसमें वर्ब है, और रेलगाड़ी इसमें सब्जेक्ट है। यहाँ पर पहुँचना वर्ब है और स्टेशन यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। तो पहले जो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी हम पहुँचे तो बाद में हैं, ट्रेन तो पहले जा चुकी है, तो ट्रेन को हम, ये जो सब्जेक्ट है ना, मेन सब्जेक्ट स्टार्टिंग जिससे हम कर रहे हैं वो रेलगाड़ी से करेंगे। द ट्रेन लिखेंगे, द ट्रेन हैड थर्ड फॉर्म गोन, गो वेंट है, गोन ये थर्ड फॉर्म है, से पहले है, बिफोर लिखेंगे। द ट्रेन हैड गोन बिफोर आई, मेरा मतलब आई, मैं ही हूं,
मेरे पहुंचने से पहले, मैं किसी को बता रहा हूं भी मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी है, तो मेरे यानी मैं का मतलब आई रीच्ड एट द स्टेशन। एट हमने लगाया स्थान पर पहुंचने के लिए, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, ये रीच्ड फिर से एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया। इस प्रकार से सभी बच्चों को करने हैं, यही वाक्य है, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस होता है बिफोर का, यानी इनका प्रयोग मैंने आपको इनमें करके दिखवाया। हम जब फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे इस टेंस की पांच वाक्य, तब आपको और डिटेल से हर प्रकार के जो पहचान इंग्लिश में लिखवाई है वो एक एक प्रयोग सब में करवा कर दिखाएंगे। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र बिल्कुल आसान होता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है सबसे पहले, फिर हेड होता है, फिर नोट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये नोट है, सब्जेक्ट, हेड, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने पाठ याद नहीं किया था, मैंने पाठ याद नहीं किया था, मैंने इसमें सब्जेक्ट है, पाठ इसमें ऑब्जेक्ट है, याद इसमें करना वर्ब है, नहीं का मतलब नेगेटिव नकारात्मकता का भाव दर्शाता है, नहीं। याद करना एक ही बात है, इसमें याद करना ही वर्ब है। इसमें सूत्र में लिखेंगे सब्जेक्ट आई हैड नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना एल ई ए आर एन, लर्न होता है। सेकंड फॉर्म इसके लास्ट में टी बनाने पर सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, लर्नट। आई हैड नॉट लर्नट लेसन, आई हैड नॉट लर्नट लेसन। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज और करेंगे। मैंने फीस नहीं भरी थी, मैंने इसमें सब्जेक्ट है, फीस इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं का मतलब नोट नेगेटिव और ये भरना इसमें वर्ब है। मैंने आई लिखेंगे, हेड लिखेंगे, नोट लिखेंगे, वर्ब पे होता है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड और थर्ड होती है पैड। इसमें लिखेंगे पैड फी, इस प्रकार आई हैड नॉट पे फीस, ठीक है, इस प्रकार से करना है। आज के लेक्चर में इतना ही करवाएंगे, कल के लेक्चर में हम करेंगे जो इंग्लिश में पहचान लिखवाई है उसका अभ्यास हम करेंगे।